अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मेरा नाम नुमान है और आज हम नुमान गुजर चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से जादुई फोल्डर बना सकती हैं, यानी कि ये कह लें कि आप किस तरीके से गायब होने वाला फोल्डर बना सकते हैं जो आप अपने कंप्यूटर पर सेव करेंगे लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अपनी जगह पर वो महफूज पड़ा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा जो चैनल नुमान को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपने यहाँ डेस्कटॉप पर जाने के बाद माउस से राइट क्लिक आपने करना है और न्यू फोल्डर पर जाकर फोल्डर पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मैंने स्क्रीन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन किया हुआ है ताकि आपको तफसील से बता सकूँ। अपने कीबोर्ड से आपने आल्ट का बटन प्रेस करना है और ये आपको जो नंबर पैड नज़र आ रहा है इसको नम पैड कहते हैं, इसको आप इससे आपने नंबर टाइप करने हैं। ये जो आपको ऊपर वाले बटन नज़र आ रहे हैं इनसे आपने कोई नंबर जो है टाइप नहीं करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर पैड पे आपको जो नंबर शो हो रहे हैं इनमें से आपने बटन जो है वो दबाने हैं 0160, ये दबाना है और इससे जो है आपके फोल्डर का जो नेम है वो गायब हो जाएगा। तो ये देखिए, आप शुरू करते हैं, ये आल्ट का बटन प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर 0160 टाइप करने के बाद एंटर दबा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका जो नाम वगैरह है जहाँ पर न्यू फोल्डर लिखा होता है वो गायब हो गया। और फिर यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पर जाना है, यहाँ एडवांस पर नहीं कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद चेंज आईकॉन पर जा के आप इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ आइकॉन नज़र आएंगे जो कि इनविजिबल हैं। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकती हैं, जैसे यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा फोल्डर जो है ये गायब हो चुका है। अगर मैं माउस की एरो इसके ऊपर लेकर जाऊँगा तो हाईलाइट हो जाता है और अगर पीछे करूँगा तो फिर से गायब हो जाता है। अगर दोबारा यहाँ पर लेकर जाऊँ तो वो हाईलाइट हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ से इसको उठा कर रिसाइकल बिन में डाल दूँ तो अगर आप रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये फोल्डर जो है इसके अंदर मौजूद है जहाँ पर लिखा होगा फाइल फोल्डर, ये देखिए। तो इस तरीके से आप जो है काफ़ी सारे फोल्डर बना सकते हैं। दोस्तों को ट्रिक दिखाई और हैरान कर सकते हैं। तो मज़ीद अच्छी अच्छी ट्रिक्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। एंड प्लीज़ आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नई नई वीडियोस आपकी खिदमत में लाते रहें और आप जो है हमारी वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।